अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुमताज़ और आप देख रहे हैं आई आर मुमताज़ यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो एक और मालूमाती वीडियो है प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक प्राइस बॉन्ड पे जो आपके पास होता है उस पर कितने प्राइस ले सकते हैं, और आपने अगर एक बार प्राइस बॉन्ड पे ज़्यादा बार प्राइस लेने होते हैं तो क्या करना होता है। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, उसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब एक जो क्वेश्चन होता है कि एक प्राइस बॉन्ड पे आप मैक्सिमम कितनी बार इनाम ले सकते हैं, तो इसका जो सिंपल जवाब है कि आप एक प्राइस बॉन्ड पे 6 बार इनाम ले सकते हैं। अब पहले ये होता था कि आप अगर अपने प्राइस बॉन्ड के देखें तो उसकी जो आपकी एक साइड पे 6 डॉट्स बने होते थे, और जो जैसे जैसे आपके इनाम निकलता जाता था वो डॉट को पंच करके आपको प्राइस बॉन्ड वापस कर दिया जाता था। अब इस तरह होता है कि आपको प्राइस बॉन्ड वापस नहीं किया जाता। जब आप इनाम क्लेम करने जाते हैं तो जो स्टेट बैंक की ब्रांचेज या जो नेशनल सेविंग सेंटर हैं या जो ऑथराइज बैंक हैं वो प्राइस बॉन्ड अपने पास रख लेते हैं, और जितना आपका प्राइस बॉन्ड होता है उसकी फेस वैल्यू या उतनी जो कीमत आपके प्राइस बॉन्ड की है वो आपको वापस कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो प्राइस बॉन्ड अपने पास ही रखें, उनका जो लकी नंबर है, उनका कुछ लोगों का नंबर ये बिलीव होता है कि ये लकी नंबर है, उनका ये प्राइस बॉन्ड दोबारा भी निकलेगा। तो इसके लिए ये करना होता है कि अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकला है तो आप उसको क्लेम ना करें, क्योंकि आपके पास 6 साल का पीरियड होता है जिस दिन आपका ड्रा होता है उससे लेके 6 साल तक आप किसी भी टाइम प्राइस बॉन्ड क्लेम कर सकते हैं। तो आप 2-3 साल मजीद देख लें, और उसमें अगर आपका दूसरा प्राइस बॉन्ड उसी का दोबारा फिर निकला है तो आप जाके वो इकट्ठा प्राइस बॉन्ड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपने बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है, फर्ज करें आपका एक बार जो इनाम निकला है वो तीसरा है, और फिर कहीं 2-3 साल बाद जाके आपका पहला या दूसरा इनाम निकला है, तो आप किसी भी जो स्टेट बैंक की ब्रांच है उसमें जाके ये दोनों एक बॉन्ड पे ये दोनों इनाम क्लेम कर सकते हैं। आपने जस्ट 2 सेपरेट फॉर्म लेने हैं और उन पे ये दोनों लिख देने हैं। अगर आपके पास डिफरेंट बॉन्ड्स हो तो आप एक ही फॉर्म पे वो सारे फिल करके प्राइस बॉन्ड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक ही बॉन्ड के जो 2 बार आपके नाम निकल चुका है तो आके 2 सेपरेट फॉर्म पे वो बॉन्ड क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई प्राइस बॉन्ड का लकी नंबर है और आप अपने उसे पास रखना चाहते हैं, उसे आप चाहते हैं कि दोबारा उसका ड्रॉ में इनाम निकलेगा, तो आप एक बस चीज़ याद रखें कि आपने 6 साल के अंदर अंदर उसको क्लेम करना है। अगर 6 साल से पहले पहले आपका कोई और इनाम निकल आता है तो आप उनको इकट्ठे जाके क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपके प्राइस बॉन्ड पे 6 इनाम निकलते हैं, और 6 साल के अंदर 6 इनाम निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, पॉसिबल है लेकिन मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली ये नामुमकिन है। आप इसकी जो कैलकुलेशन भी करें तो ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम आती है। तो अगर आपके 2 या मैक्सिमम 3 इनाम निकलें तो आप उनको इकट्ठा फिर जाके क्लेम कर सकते हैं। तो ये आज प्राइस बॉन्ड के क्लेम करने से एक छोटी सी मालूमाती वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।